Aluminium viewers, अच्छे एल्युमिनियम की खिड़कियाँ हमारे पास हर एक के घरों में लगी हुई होती हैं और इस एल्युमिनियम की खिड़की में ये छोटा सा एक लॉक होता है जो दोनों खिड़कियों को लॉक करने के लिए। अच्छा, ये बाजू का लॉक टूट जाता है, मेरे पास खुला हुआ है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये लॉक जो है वो उमन ज़्यादातर ये टूट जाता है क्योंकि एल्युमिनियम का होता है और ज़ोर आता है इस पर तो ये टूट जाता है। अच्छा, ये बाहर ख़रीदने जाएँ तो आपको ये दो की जोड़ी में भी मिलेगा और चार की जोड़ी में भी मिलेगा, तो आपके लिए तीन और एक एक्स्ट्रा वन जो है वो बिल्कुल बेकार है आपके लिए। जब आपको ज़रूरत ही एक की है तो हम उसी को क्यों ना रिपेयर कर लें। अच्छा, ये रिपेयर बाहर होते नहीं है, आप घर में इसको ईज़िली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये दो हिस्सों में बना होता है, एक इसका ये पार्ट है जिस जो ये लॉक करते हैं, दूसरा उसकी बेस होती है। इसको हम पलट के देखते हैं। अच्छा, ये टूट जाते हैं, टूटने से मुराद ये अपनी बेस से अलग हो जाते हैं। तो जब आप इसको खोलेंगे, अगर ये अलग नहीं हुआ हुआ हुआ, आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। देखें, ये जो इसका हिस्सा है ये इसकी कॉलर है। अगर चाहे टूट गई है और इसकी जो फ्रंट साइड है वो इसकी बैक साइड से इसकी बेस से अटैच नहीं हो सकती, तो ये इसकी कॉलर टूटी होगी। और ये ही मैं आपको रिपेयर करना बताऊंगा कि कैसे रिपेयर होगी। अगर ये कॉलर सही तरह निकली नहीं है बाहर, तो इसको आप किसी प्लास, नोज प्लास, कटर प्लास से इसको ग्रिप करके इसको घुमाएं या इसको पकड़ के रखें और आगे वाले हिस्से को रोटेट करें, तो ये निकल आएगा आपको बाहर। अच्छा, इस पर ये कि चोट मार के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन चोट ना मारें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इसको आप थ्रू करेंगे तो मे बी कि ये आपका हिस्सा टूट जाए। ये देखिए, मैंने इसको खोल के भी रखा हुआ है ताकि आप लोग को ईजीली समझ आ सके इस चीज़ को। अच्छा, अब होगा क्या, मेरे पास अभी फ़िलहाल तो कैलिपर नहीं है कि मैं उसको मेजरमेंट करके आपको बता सकूं कि इसका डाया कितना है और इसमें ये कितने का है। और सेकंड मेरे पास ये अच्छे दो टूल ये इस्तेमाल होंगे और ड्रिल मशीन का होना लाजमी है। ठीक है, जब भी आप ड्रिल करें तो ड्रिल आप देख लेंगे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इस ड्रिल को जब भी आपने इस्तेमाल करना है, जब भी आपने ड्रिलिंग करनी हो, तो आपने पहले हमेशा एक छोटा ड्रिल उसमें डालना है। उसके बाद जो आपको साइज चाहिए वो एक्चुअल वो आपने ड्रिल उसके अंदर चलाना है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने इसको आर पार कर लिया। इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ड्रिल करते वक्त इसको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है ड्रिल कर दौरान घूमेगा। मैंने इसको इस तरह प्लास से ग्रिप किया हुआ है और इसकी बेस को टच किया हुआ है ताकि मैं ऊपर से इसको इजीली ड्रिल कर सकूं। और नीचे चाहें तो आप कोई लकड़ी का पीस रख सकते हैं, छोटा सा कोई लकड़ी का पीस आप इसके नीचे रख सकते हैं ताकि आपकी ड्रिल की जो बिट है वो ख़राब ना हो। देख सकते हैं इसमें ड्रिल आर पार हुआ हुआ है। इसको फिक्स करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी, इसको फिट करने चले हम। थोड़ी सी मुझे दुश्वारी हो रही है एक हाथ से काम करने में, तो वीडियो भी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल से बनेगी। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ कि ये इसको इस तरह और ये छोटी छोटी थी ये स्ट्रिप्स हैं, ये इनमें बैठेंगी। मैं आपको लगा के ये इस तरह मैंने देखें जो लॉक किया है इनको स्ट्रिप्स के साथ, इस तरह ये लॉक करना है। और इसका मुंह सो